गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे जीके का, दैट इज वर्ल्ड लीडर्स एंड आपका जनपद लॉरेट्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड लीडर्स। पहले हम समझेंगे लीडर किसको बोलेंगे, उसके बाद कुछ वर्ल्ड लीडर का आपका बुक में यहाँ पे फोटो दिया है, उनके नाम लिखना है। तो लीडर्स क्या होते हैं ना, वर्ल्ड लीडर्स ऑल्सो नोन एज द चीफ्स ऑफ द स्टेट और कैबिनेट मेंबर्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। तो चीफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टेट बोला जाता है, सेमी आपका जो क्या है ना, यूएसए में क्या कांग्रेस बोला जाता है जो कैबिनेट को, हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट बोला जाता है, तो सेमी। तो वर्ल्ड लीडर क्या होते हैं ना, ऑल्सो नोन एज चीफ ऑफ स्टेट, जो हेड होता है स्टेट का उनको क्या बोलते हैं ना, लीडर बोलते हैं। सेमी एक डिस्ट्रिक्ट का हेड क्या होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसको आप डीएम बोलते हो, और एक स्टेट का हेड क्या होता है ना, गवर्नर नहीं तो प्रेसिडेंट होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन जब लग जाता है वो केस में क्या हो जाता है ना, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो सेमी हमारा वर्ल्ड लीडर बोलेंगे, तो नेशन बीच में जो लीडर्स रहते हैं उनको क्या बोला जाता है ना, वर्ल्ड लीडर बोला जाता है। तो हमारा जो कंट्री होते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। डेमोक्रेटिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक होता है मोनार्किकल सिस्टम और एक है रिपब्लिक सिस्टम। मोनार्किकल सिस्टम क्या होता है ना, किंग का बेटा किंग होगा, मतलब जो किंग है वो कोई कंट्री में मतलब क्या है, लीडर है, तो उनका जो बेटा बनेगा वो भी लीडर बनेगा। और रिपब्लिकन कंट्री में क्या होते हैं ना, पीपुल के थ्रू से वो इलेक्टेड होते हैं। तो उसके यहाँ पे क्या होगा ना, मोनार्की सिस्टम में एक कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट जनरेशन, एक ही फैमिली का सारे जनरेशन वाइज रहेंगे। लेकिन ये रिपब्लिकन सिस्टम में क्या होगा ना, आपका चेंजेस आएगा। ठीक है, क्योंकि ना सपोज इस बार मैं जैसे नरेंद्र मोदी जीते हैं, दोबारा जीतेंगे उससे कोई मतलब उनका गारंटी नहीं है, चांसेस बहुत कम है। तो हमारा मोनार्किकल सिस्टम कहाँ पे चलता है ना, आपका ब्रिटेन में चलता है, और रिपब्लिकन सिस्टम कहाँ पे चलता है ना, इंडिया में चलता है। और सेमी जो लीडर्स होते हैं उनको, ये लीडर डिपेंड टाइप का होते हैं, जैसे आपका फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वो क्या करेगा ना, जिसको एम्बेसडर बोलते हो आप, वो क्या करेंगे ना, इंडिया का जो मतलब दूसरा कंट्री के साथ कैसे रिलेशन बढ़ाएंगे, कैसे ये इसके बारे में, जैसे हमारा यहाँ पे क्या स्मृति ईरानी दिए हैं, तो ये क्या थे ना आपका ना फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, तो ये भी है एक वर्ल्ड लीडर बनेंगे। ठीक है, अभी आपका बुक के रिलेटेड देखते हैं, सारे यहाँ पे दिए हैं, जैसे यह अब्राहम लिंकन ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका का, और सेकंड में विंस्टन चर्चिल दिए हैं, और महात्मा गांधी। ठीक है, ये सारे क्या थे ना, वर्ल्ड लीडर्स थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारा महात्मा गांधी को तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। और इनके बारे में वर्ल्ड लीडर मतलब कंट्री का हेड जो बनता है उसको हम वर्ल्ड लीडर बोलते हैं। और सेकंड में आपका जो मैं बताया था ये वर्ल्ड लीडर के बारे में, यहाँ पे सारे मैं आंसर भी भेज दिया हूँ, और यहाँ पे भी आप देख के भी पढ़ सकते हो। और सेकंड में आपका है जनपद लॉरेट्स। ठीक है, जनपद लॉरेट्स ये एक अवार्ड होता है, इसको किसके वजह से दिया जाता है ना, आपका जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लिटरेचर। ठीक है, कोई अच्छा बुक लिखेगा तो उसको ये जनपद अवार्ड मिलता है। जनपद अवार्ड इज ए इंडियन लिटरेसी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय जनपद टू एन ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुअर्ड्स द लिटरेचर। लिटरेचर में कोई अच्छा कुछ बुक लिखेगा उसको भारतीय जनपद एक मतलब संस्था है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करते हैं ना, जनपद अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, ये हर साल दिया जाता है। कब ये एस्टेब्लिश हुआ था ना, 1961 में, और फर्स्ट अवार्डेड कब दिया गया था ना, 1965 में। आपका यहाँ पे डाउट्स आएगा कि सर हर साल तो दिया जाता है लेकिन 1961 में ये एस्टेब्लिश हुआ था लेकिन 1965 में क्यों मिला, तो इसके वजह मतलब कोई बुक अच्छा नहीं लिखा है इसके वजह से इनको, किसी को भी नहीं मिला था, तो 1965 से हमारा स्टार्ट हुआ था। और करेंटली हेडेड बाय अकिता अथान, ये सारे देख लेना, स्पॉन्सर्स भारतीय जनपद, ये देता है भारतीय जनपद जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये जनपद अवार्ड देता है। सेमी आपका जो यहाँ पे कुछ मतलब फिगर्स दिया है, और उन फिगर के नाम के फिगर के हिसाब से उनका नाम बताना है ये बुक में जो है, तो मैं भर लिया हूँ, आप ये फोटो देख के भर मतलब कंप्लीट कर लेना। ये था जनपद अवार्ड। जनपद अवार्ड बेसिकली लिटरेचर के लिए दिया जाता है, आपका जीके इससे बनेगा, जनपद अवार्ड प्रोवाइडेड इन व्हिच फील्ड, तो इसका क्या होगा ना, लिटरेचर। ठीक है, आंसर दे देना, और कब एस्टेब्लिश हुआ था ना, 1961। और थैंक यू, किसी का कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।